के जो पुराने साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो नेता हैं उनका यह कहना है कि पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा सदस्य चुने गए, तमाम चीजें जो एक नेता को चाहिए वो सब आपको कुछ मिला, मगर आपकी पद की लालसा जो है आपको इस निर्णय लेने पर मजबूर की, ऐसा उनका कहना है। इस पर क्या? नहीं देखिए, हमारा कोई पद का मामला नहीं था, सवाल ये था कि आदमी का सम्मान तो हो, पद से क्या होता है। आप ऐसी स्थिति में उसको डाल दें कि वो अपमानित हो जाए और उसको कोई जगह ही नहीं मिलेगा, आदमी क्या करेगा? पद की लालसा का क्या मामला है? यहाँ अगर कुछ काम किसी का आप कर सकें, आपकी जीवन छोटी है, बहुत लंबी नहीं रहती है, तो उससे बड़ा कोई बात नहीं है। पदों में तो हम बहुत बड़े बड़े रहे, केंद्र में रहे हैं, 5 बार लोकसभा में रहे और विधानसभा में कई बार रहे, अलग अलग पदों में रहे, इसलिए उसकी बहुत लालसा वाला मामला गलत है। सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को अपमानित कर दिया जाए तो कोई जगह तो देखेगा। अच्छा, आप अपमान की बात तो कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है, आपको तवज्जो नहीं दी जा रही थी। सबसे ज्यादा दुख किस बात का है कि आपको मारवाही से चुनाव लड़ने के लिए नहीं चाहते हुए भी चुनाव लड़ने को बोला गया? क्या आपको इस बात का तकलीफ है कि जूदेव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे मगर उनको नहीं बनाया गया? सबसे ज्यादा तकलीफ आपकी पार्टी से या परेशानी या दुख किस बात का है? नहीं देखिए, उस समय पार्टी में देखो, उस समय तो जोगी से तो हम ही लड़े थे, 2 जगह से टिकट देने का कहा गया था, तबकरा काट दी गई, और जूदेव जी तो हमारे भाई ही थे, उनको ऐसा ऐसा अपमानित किया गया। वहां पर वो एक कार्यक्रम कर रहे थे, सभा में थे, और वो खुड़िया दीवान उनके साथ में थे, उनके दत्तक पुत्र माने जाते थे, उनको पुलिस ने अपनी गवर्नमेंट में उठा करके ले गई, उनको डाल दिया, और वहां पर उस पर वो बेचारे बोलते रहे कि ऐसा कैसे हो रहा है। और आपको याद होगा उन्होंने कहा कि यहाँ तो प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, ऐसी परिस्थिति थी, वो बहुत व्यथित थे वहां, और उनको कमजोर करने की दिशा में उस समय बहुत सारी बातें, लाल बत्ती बहुत सारी बांट दी गई और उनको किनारे डालने का, उनका महत्व को घटाने की कोशिश की गई थी, ये सारी बातें होती रही। अच्छा साहब जी, मेरे को याद है जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था आप नेता प्रतिपक्ष थे जी। एक प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, आपका पैर टूट गया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लाठी चार्ज किया गया, क्या आपने कांग्रेस को माफ कर दिया? नहीं, उस समय का मामला, उस समय का विषय ये था, ये पार्टी का विषय आज वहां बना हुआ है ये बात नहीं थी। अजीत जोगी थे वहां, 166 लोग घायल हुए थे, फिर भी हम लगातार प्रदर्शन किए और सरकार बना के छोड़े, वो कांग्रेस वहां से बाहर हो गई थी। और परिस्थितियां अलग अलग, समय का अलग अलग है, संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि उस समय जो हमने लड़ाई लड़ी उसका परिणाम सरकार बनकर के पार्टी खड़ी होकर के दिखाई पड़ी, लेकिन वो भी जिस किस तरह का हुआ वहां पर आप सबको पता है।